गुरुकुल आवासीय विद्यालय चुरेटा में 20वां वार्षिक खेलकूद महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। आज दिनांक को गुरुकुल आवासीय विद्यालय प्रांगण में 20वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के मुखातिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों ने अपने खेलकूद से संबंधित विधाओं का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने जौहर को दिखाया। खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन 100 मीटर 200 मीटर बालक बालिका वर्ग तथा 104 रिले बालक बालिका वर्ग की दौड़ का भी आयोजन किया गया। खेल की शुरुआत विद्यालय की परंपरागत मार्च पास्ट से की गई। विद्यालय के विभिन्न हाउस के छात्र छात्राओं की अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई। बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी व मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें डायमंड हाउस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि सफायर हाउस को दूसरा एवं रूबी हाउस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि गुरुकुल विद्यालय से कई खेल प्रतिभाएं आज न सिर्फ अपने विद्यालय का गौरव बढ़ा रही हैं, बल्कि जिला एवं संभाग व राष्ट्रीय स्तर पर गुरुकुल के खिलाड़ियों की एक अलग साख है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में यही खिलाड़ी देश का गौरव बनेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने अपने आशीर्वचनों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करते हुए सतत हर विधाओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश बनर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपर्णा बनर्जी, शिक्षकगण, अभिभावक व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। चार पुल होता है, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपके समाज की, आपके गाँव की और आपके इलाके की प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर लोग आपसे अपने को जोड़ना शुरू करते हैं कि ये देखो रीवा का आदमी है, ये थल सेना अध्यक्ष बनने वाला है, ये रीवा का आदमी है, ये क्रिकेट की इंडिया की टीम में आ गया है। तो होल रीवा रिलेट्स टू यू, इसलिए जो भी आप करो काफ़ी मन लगा के करो, दिल से करो और उसमें किसी भी तरह कोताही मत बरते। आलस आपकी प्रगति जो है उसको रोकती है। तो जो भी अगर आपका समय है, जो 24 आवर सभी के पास है, और इस 24 आवर में जो बेहतर परफॉर्म करता है, जो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है और उसके मुकाबले जो उसको वेस्ट करता है वो उससे पीछे रह जाता है। नमस्कार जी, ये गुरुकुल स्कूल का 20th वार्षिक स्पोर्ट्स मीट है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, और कोविड के बाद बच्चे बहुत जोश और खरोश से वापस आए और करीब 1200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपने भी देखा किस तरह बच्चों ने मार्च पास किया, छोटे बच्चों ने, प्राइमरी के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी जो है उनकी तमाम रेसेस चल रही हैं और अंत में जो है हम इनके मार्क्स जो भी हैं जोड़ के जो भी सदन, जो भी हाउस प्रथम आता है उसकी घोषणा करेंगे और इस साल का वार्षिकोत्सव जो है ख़त्म करेंगे।